आप फैमिली मेंबर हैं ब्रिटिश नेशनल के और आप यूके आना चाह रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज की समझ नहीं लग रही कि किस कैटेगरी में आप यूके में आ सकते हैं और कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप जो कैटेगरी आप पे अप्लाई होती है। बहुत सारे इमिग्रेशन रूल्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीजन और राइट रूल के तहत एप्लीकेशन करना ही आपकी स्पेशलिटीज होती है, आपकी डिटर्मिनेशन होती है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपने ये इस चीज़ का डिसीजन करना है कि आप किस कैटेगरी में यूके में आना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं होएगी, जब तक आपकी एप्लीकेशन सही डिटर्मिनेशन के साथ नहीं होएगी, तो आपके एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होएगा। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जिस तरह से, ये इसी तरह से ही है जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक राइट मेडिसिन आपके लिए प्रेस्क्राइब नहीं की जाती, तब तक आपका जो मर्ज है वो ठीक नहीं होता। आपके मर्ज का ठीक होने के लिए राइट प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। ये जिंदगी में किसी भी आप एप्लीकेशन को ले ले, आप किसी भी कैटेगरी को ले ले, जब तक आप राइट एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, जितनी भी आप स्ट्रगल कर लें। हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, आपके डॉक्यूमेंट्स का मसला हो सकता है, हो सकता है आप इस वक्त आप बहुत सारे डाउट्स में हो सकते हैं कि आप किससे कॉन्टैक्ट करें, किससे आप कौन सा एप्लीकेशन करें, कौन सा फॉर्म करें, कौन सी वेबसाइट पे जाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस। तो आज के इस प्रोग्राम में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अपने एक स्पेशल, जो मेरी एक स्पेशलिटीज़ है जिस फील्ड में, जो मेरी एक स्ट्रेटजीज़ हैं केसेस के लिए, जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए सोचती हूँ कि कौन सा केस उनके लिए, कौन सी स्ट्रेटजी उनके लिए बेहतर रहेगी, वो आज के प्रोग्राम में हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज के प्रोग्राम का मेरा स्पेशल मकसद ही यही है कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस दूँ कि जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, जो आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशंस होगी, जिसमें आपके सक्सेसफुल एप्लीकेशन के चांसेस होंगे, वो आपसे आज के प्रोग्राम में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, और उसके अलावा आप कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक कैटेगरी आपके लिए सूटेबल नहीं है, कौन सी अदर दूसरी कैटेगरी आपके लिए सूटेबल होगी। तो मेरा आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आप अपनी जितने भी आपके सोर्सेस हैं, क्या आपने उन सब सोर्सेस को यूज़ करते हुए अभी तक प्रॉपर उसका केस स्टडी किया है? अगर नहीं किया तो आज के प्रोग्राम में आप नोट्स बना लें, लेकिन उसके बाद आपको फर्दर क्लू मिल जाएंगे मेरे बाकी प्रोग्राम से, आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि आज का एक मास्टर प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशंस, आपको आपके जो रिलेशंस हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेहतर रहेगी, उसमें हम एक बिगर कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए जा रहे हैं जो आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले